आज जो कविता मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ उसका नाम है इस बस्ती के एक कूचे में, जिसे लिखा है इब्ने इंशा ने। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मुझे इसके बारे में पता लगा था, एक दोस्त ने पढ़कर सुनाई थी और मैं तब से लेकर शायद पता नहीं कितने हफ्ते लूप पर लगातार इसको पढ़ती रही थी। इतनी हार्ड हिटिंग और इतने एलिमेंट्स वाली, हाइज लोज ब्यूटी कुछ भी कह लीजिए, इतनी सुंदर और इतनी कंप्लीट एक कहानी रूपी कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद यही कारण है कि कंठस्थ है मुझे। तो आज की कविता है इस बस्ती के एक कूचे में, जिसे लिखा है इब्ने इंशा ने। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना एक नार पे जान को हार गया। मशहूर है उसका अफसाना। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप तपे। इस शहर में क्या क्या गोरी हैं, महताब रुखे गुलनार लो। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसकी चितवन में। वही भेद की ज्योत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप से बेगाना। इस बस्ती के एक कूचे एक इंशा नाम का दीवाना। न चंचल खेल जवानी के न प्यार की अलहड़ घातें थी, बस राह में उनका मिलना था या फोन पर उनकी बातें थी। इस इश्क पे हम भी हंसते थे, बेहासिल सा बेहासिल था। एक जोर बिफरते सागर में न कश्ती थी न साहिब था। जो बात थी उनके जी में थी, जो भेद था अक्सर अनजाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। हाँ एक रोज बरखारुत में वो भादो थी या सावन था, दीवार पे बीच समंदर के ये देखने वालों ने देखा। मस्ताना हाथ में हाथ लिए ये एक कगर पर बैठे थे। यूं शाम हुई फिर रात हुई जब सैलानी घर लौट गए। क्या रात थी वो जी चाहता है उस रात पे लिखे अफसाना। इस बस्ती के कूचे एक इंशा नाम का दीवाना। हाँ उम्र का साथ निभाने के थे अहद बहुत पैमान बहुत, वो जिन पे भरोसा करने कुछ सूद नहीं नुकसान बहुत। वो नार ये कहकर दूर हुई, मजबूरी साजन मजबूरी। ये वहशत से रंजूर हुए और रंजूरी से रंजूरी। उस रोज हमें मालूम हुआ उस शख्स का मुश्किल समझाना। इस बस्ती के एक कूचे एक इंशा नाम का दीवाना। गो आग से छाती जलती थी, गो आग से दरिया बहता था। हर एक से दुख नहीं कहता था, चुप रहता था गम सहता था। नादान है वो जो छेड़ते हैं इस आलम में नादानों को। उस शख्स से एक जवाब मिला सब अपनों को बेगानों। कुछ और कहो तो सुनता हूं, इस बाब में कुछ मत फरमाना। इस बस्ती के एक कूचे एक इंशा नाम का दीवाना। अब आगे का तहकीक नहीं, गो सुनने को हम सुनते थे उस नार की जो जो बातें थी, उस नार के जो जो किस्से थे। एक शाम जो उसको बुलवाया कुछ समझाया बेचारे ने, उस रात ये किस्सा पाक किया कुछ खा ही लिया दुखियारे ने। क्या बात हुई किस तौर हुई अखबार से लोगों ने जाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। हर बात की खोज तो ठीक नहीं, तुम हमको कहानी कहने दो। उस नार का नाम मकाम है क्या, इस बात पे पर्दा रहने दो। हमसे भी तो सौदा मुमकिन है, तुमसे भी जफा हो सकती है। ये अपना बयां हो सकता है, ये अपनी कथा हो सकती है। वो नार भी आखिर पछताई, किस काम का ऐसा पछताना। इस बस्ती के एक कूचे एक इंशा नाम का दीवाना। ये कविता आप रेखता की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, मैंने भी वहीं बार बार लूप में पढ़ी है। और अगर मैं शायद भावुक हो गई थोड़ी, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार हो जाती हूँ। शायद यही कारण है कि कविताएं मुझे इतनी पसंद हैं। शायद हम सभी को जो जो ऐसे पोएम लवर्स होते हैं, कविता प्रेमी होते हैं, उनको इसी कारण से पसंद होता है ना कि ऐसे लय में कम शब्दों में कितना कुछ बता जाता है कवि। तो ये थी आज की कविता। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिलाल लिंटो। शुक्रिया।